हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी किचन। और आज हम बनाएंगे बर्गर। तो जिसके लिए मैंने बर्गर बंस ले लिया है, मार्केट से पैकेट मंगा लिया था। और साथ ही मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के पतले स्लाइस में धो कर के काट लिया है, और 4 मिर्ची जो है वो भी चॉप कर ली है। इसी के साथ में मैंने प्याज को 2 तरीके से कट किया है। लच्छे वाली प्याज, 2 प्याज मैंने लच्छे टाइप में कट कर ली है, और 2 प्याज मीडियम साइज़ की चॉप्ड कर ली है। अब हम यहाँ पे बर्गर को निकालेंगे और बीच में से हम इसको कट लगाएंगे, जिससे जिसमें फिलिंग भरे हम, तो सब में चाकू से हम अच्छे से करेंगे इसको। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे ये कट करके रेडी कर लिया है। मैंने इसको पूरा बीच में से नहीं निकाला है, या फिर मैंने 2 बर्गर का भी यूज़ नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये बंस थोड़े बड़े हैं, तो हम एक सिंगल बन एक बर्गर के लिए यूज़ करेंगे। तो बेसिकली सब कट करके रेडी कर लिया है, और साथ ही मैंने आलू भी चढ़ा दिया था, करीब 1/2 किलो आलू उबालने के लिए। छील करके उसको मैश कर लिया है, आलू को फोड़ लिया है बढ़िया से। अब हम साथ में इसमें इन्ग्रीडियंट्स कुछ मिलाएँगे, करीब 1 छोटे चम्मच हल्दी। हल्दी के साथ हम मिलाएंगे इसमें जीरा पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और साथ ही मिलाएंगे 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून आपका लाल मिर्ची का पाउडर। थोड़ा सा इसको चटपटा स्वाद देने के लिए आमचूर पाउडर मिला देंगे, करीब 1 चम्मच। इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे हम। और नमक मिलाने के बाद मैंने हरी धनिया को कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में, तो अब इसको भी डाल देंगे अच्छे से। थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देंगे क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है, और साथ ही कटी हुई मिर्ची को भी डाल देंगे और प्याज भी ऐड कर देंगे। तो बेसिकली हमको सब डाल के अब इसको अच्छे से मैश कर लेना है, इसको बढ़िया से इसको टिक्की के लिए रेडी करना है। और अब टिक्की हम बनाने से पहले इसमें हम मिला देंगे का आरारोट का आटा, आप मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर, जिससे कि टिक्की जो है आराम से बन जाए और हाथ में बंधे अच्छे से। तो टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं मैंने, और टिक्की रेडी करने के बाद हम पैन चढ़ाएंगे। पैन में करीब 1 चम्मच घी डाला है। घी जब तक इसमें अच्छे से मेल्ट हो रहा है तब तक वेट करेंगे, और मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा ये गर्म होने के बाद हम बंस को चढ़ा देंगे और इसको अच्छे से उलट पलट कर सेकेंगे। इसमें आपका ज़्यादा ऑयल या फिर ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा, ऑयली भी बहुत नहीं बनेगा, और ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के बंस भी मैं ऐसे ही बना के सेक लूँगी डाल के। ऊपर से इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसको हम अच्छे से सेकेंगे। इससे क्या होता है कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये पूरा अच्छे से सिक जाता है, और थोड़ा ये सोंधा सोंधा सा हो जाता है खाने में। तो ये देखिए कलर कितना प्यारा है। बस ऐसे ही हम बाकी बंस भी करेंगे, और जब बंस रेडी हो जाएंगे अब हम इसमें करीब 2 चम्मच घी मिलाएंगे, और हम टिक्की को अपने अच्छे से उसको भी सेकेंगे। सारी टिक्कियों को हमको थोड़ा सा क्रंची बना लेना है, और उलट पलट के इसको एक ब्राउनिक कलर दे देना है।
थोड़ा थोड़ा सा घी डालते हुए इसमें आपको, ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा आपका, और उसको उलट पलट के अच्छा सा सेक लेंगे। शुरू में आपको टिक्कियों को थोड़े 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, नहीं तो आप तुरंत पलटने लगेंगे। तो ये थोड़ा सा गीला हो रहता है तो ये थोड़ा सा इसका शेप जो है वो बिगड़ सकता है, तो आपको आराम से इसको अपने पलटे से अच्छे से पलटना है। उधर मैंने टिक्कियाँ सेक ली हैं अभी। अब हम इसको बर्गर के लिए पूरी तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें लगा दिया मेयोनीज भी ऑप्शनल है, आप चाहें आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, अभी बहुतों के पास सारी चीज़ें नहीं हैं। और साथ ही मैं इसमें टोमेटो केचप अच्छे से फैला दूँगी। और अब हम इसके ऊपर टिक्की रख देंगे। तो टिक्की रखने के बाद अब हम टमाटर की स्लाइस और उसमें प्याज की स्लाइस और धनिया वगैरह सब कुछ अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम ना ऐड करके मैंने यहाँ पे मेयोनीज ऑलरेडी ऐड कर दिया है। और टोमेटो सॉस वगैरह जब डाल देंगे इसमें तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी हो जाएगा, एक खट्टा मिट्टा सा टेस्ट आएगा। और प्याज और टमाटर का जो टेस्ट है वो तो ही बहुत ही लाजवाब होता है इसमें। तो देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। बर्गर खाने में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन खाना बहुत आसान नहीं होता है, गिरता रहता है इधर उधर। तो आप देख रहे हैं कि बना के मैंने रेडी कर लिया है। ऐसे ही जो और बंस मेरे बच्चे हैं वो भी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी?